बिसमीम्स आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ़ एंड हैप्पी आई एम योर जी के टीचर मिस फरहीन एंड आई वेलकम यू ऑल फिर एन आलकम क्लास माई डियर स्टूडेंट्स एज यू इन दी आर ऑन यूनिट नंबर नाइन एंड द नेम ऑफ आर यूनिट इज सेफ्टी टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस शेयर एवरी थिंग विद योर पेरेंट्स यानी कि आपने हर चीज़ जो है वो अपने पेरेंट्स से शेयर करनी है और कुछ भी उनसे नहीं छुपाना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बच्चों के लिए समझनी ज़रूरी है सो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे पहले प्लीज

ये सिचुएशन करेक्ट नहीं है और अगर आप कभी किसी स्ट्रेंजर को मिले हैं सो डू नॉट गेट फ्रेंड्स विद देम यानी कि उससे दोस्ती आपने नहीं करनी आपने घर जाके अपने पेरेंट्स को इस बारे में जरूर बताना है सो माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट विल यू डू इन दैट सिचुएशन यानी कि अगर आपको कोई स्ट्रेंजर मिले तो आप इस तरह की सिचुएशन में क्या करेंगे आपने उससे बात नहीं करनी वो आपको कितना ही ये बताए कि मैं आपकी फ़ादर को भी जानता हूँ मदर को भी जानता हूँ चलो मेरे साथ मैं आपको घर छोड़ देता हूँ आपने नहीं जाना इंस्टेंटली आपने किसी आ, अगर आप स्कूल के बाहर है तो स्कूल के अंदर चले जाएं और कोशिश करें कि आप उससे बात ना करें बल्कि ज़ोर से आप जो है आ, किसी को मदद के लिए बुलाएं कि ये शख्स जो है ये मुझे तंग कर रहा है सो तो इस तरीके से यू कैन कीप योर सेल्फ़ सेफ़ सो माई डियर स्टूडेंस एंड टूडेज लेक्चर द स्टूडेंस विल भी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दे शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्राम देयर पेरेंट्स टीचर्स गार्डियन टू स्टे सेफ फ्राम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सो माई डियर स्टूडेंट्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन सेज दैट क्विकली आंसर द क्वेश्चन हु इज अ स्ट्रेंजर एक स्ट्रेंजर कौन होता है एक स्ट्रेंजर ऐसा शख्स होता है जिसको आप नहीं जानते अन नोन होता है वो आपके लिए आपकी पहचान वाला नहीं होता सो माई डियर स्टूडेंट्स फॉर रीडिंग क्विकली ओपन पेज नंबर सेवेंटी सेवन इन यो जी के थ्री बुक्स आई होप एवरीबडी हैज़ ओपन द पेज नाउ लेट स्टार्ट द रीडिंग सो माई डियर स्टूडेंट्स सारा एंड अनम आर बेस्ट फ्रेंड्स दे आर स्टडिंग इन द सेम स्कूल दे वर नोटिसिंग अ स्ट्रेंज मैन स्टेयरिंग एट दैम फॉर फ्यू डेज सो माई डियर स्टूडेंट्स सारा और अनम जो हैं वो दोनों दोस्ते हैं और वो एक ही स्कूल में पढ़ती हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो कुछ दिनों से डेली नोटिस करी हैं कि स्कूल के बाहर एक आदमी है जो उनको डेली जो है वो घूरता रहता है या उनकी तरफ देखता रहता है सो so, जब आपको कोई देखता है आपकी तरफ स्टेयर करता है तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरीके से बनाया कि उसको पता चल जाता है कि आपकी तरफ कोई देख रहा है या सब बडी स्टेयरिंग एट यू और जब ये चीज डेली बेसिस पे होनी होने लगे तो फिर आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में यू मस्ट गो टू योर टीचर योर प्रिंसिपल और योर पेरेंट्स वन डे ही केम टू देम एंड ऑफर डेम सम चॉकलेट्स अनम फेल्ट हैप्पी एंड टुक द चॉकलेट्स However, Sara refused to take any chocolate. Sara tried to stop her and reminded her mother's advice not to take anything from strangers. But Anam did not listen. They both went home. Sara shared the incident with her mother. Sara's mother called Anam's mother and discussed the story that happened today. Anam's parents asked her why did she take those chocolates? She said because she likes chocolates. Her parents advise her that it is not good to talk to strangers or take anything from them. If any unknown person bothers you or offers you anything, refuse that and tell us immediately. We are your parents. We will provide whatever you want. We will always protect you. So, my dear students, you day, Sara and a person who was to stare them. came and, came and them the offered them chocolates. So, what happened सारा ने तो रिफ़्यूज़ कर दिया उसने कहा कि मैं नहीं लूँगी आपसे क्योंकि मैं आपको नहीं जानती लेकिन अनम जो है वो बहुत खुश हो गई और उसने फ़ौरन से झटपट से चॉकलेट्स पकड़ ली अब ये सिचुएशन जो है उसमें सारा ने उसको मना भी किया कि तुम्हें याद नहीं मम्मा ने क्या कहा है तुम्हारी कि कभी भी तुमने किसी अननोन पर्सन से कुछ नहीं लेना तो उसने उसकी एडवाइस को नहीं सुना और चॉकलेट्स ले ली सारा ने घर जाके क्योंकि सारा एक बहुत अच्छी बच्ची है समझदार भी है उसने अपनी मदर से इस बारे में डिस्कस किया सारा की मदर भी बहुत इंटेलिजेंट थी और उन्होंने फ़ौरन अनम की मदर को कॉल किया और अनम की मदर और फादर ने अनम से पूछा कि आपने चॉकलेट्स क्यों ली उसने कहा क्योंकि मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है उन्होंने कहा कि जब भी कोई स्ट्रेंजर आपको कोई चीज़ दे आपने मना करना है और आपको जो चाहिए आप हमसे मांगो हम आपको देंगे और वी विल प्रोटेक्ट यू सो माई डियर स्टूडेंट्स अगर आपको आपके पेरेंट्स या टीचर्स किसी बात पर डांटते भी हैं तो असल में वो आपकी बेहतरी के लिए है और इस तरह की बहुत सी सिचुएशंस मैं ख़ुद पर्सनली जानती हूँ जिसमें बच्चों को अक्सर टॉफ़ीज़ या चॉकलेट्स देकर उनको बेहोश कर दिया जाता है क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ डली हुई होती है और फिर अल्टीमेटली उन बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है एंड इट बिकम्स वेरी डर्टी आफ्टरवर्ड्स यानी कि ये बहुत चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है और आप अपने पेरेंट्स से दूर हो सकते हैं और इससे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं सो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेंजर्स से कभी बात मत करें स्कूल के बाहर अगर ऐसा हो रहा है तो इंस्टेंटली गो टू योर टीचर और आप उनको बताएं स्कूल के गार्ड को बताएं ताकि प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सके अनम फेल्ट बैड अनम को बहुत बुरा महसूस हुआ सेट सॉरी टू हर पेरेंट्स एंड प्रॉमिस नॉट टू टेक एनी थिंग फ्राम एनी वन शी ऑल्सो मेड प्रॉमिस टू हर पेरेंट्स दैट शी वुड टेल देम इफ शी एवर फील अनसेफ सो so, उसने इसके बाद जो है वो प्रॉमिस किया कि वो अब किसी स्ट्रेंजर से बात भी नहीं करेगी और उससे कुछ लेगी भी नहीं और वो अपने पेरेंट्स से हर चीज़ जो है वो शेयर करेगी और जब भी उसको ऐसा महसूस होगा कि उसकी उसको गैर महफूज महफूज फील हो रहा है तो वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेगी सो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा ही आपको भी करना चाहिए कि जब भी कोई स्ट्रेंजर आपसे बात करने की कोशिश करे इवन कभी आपके पेरेंट्स के सामने भी अगर कोई स्ट्रेंजर कोई शॉप वाला कोई शॉपकीपर एनी बडी गिवज यू एनी थिंग डोंट टेक इट रिफ्यूज़ इट अनास्क योर मदर इफ़ यू वॉन्ट समथिंग आप अपनी मदर से कहें कि मुझे चॉकलेट चाहिए या कैंडी चाहिए तो वो आपको लेकर देंगी सो so, एक चॉकलेट की कोई हैसियत नहीं है एक कैंडी की कोई हैसियत नहीं है असल में आपकी अपनी जान की जो है वो अहमियत है एंड यू मस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ सो टीचर्स नोट शो अ वीडियो टू स्टूडेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रेंजर्स डेंजर एंड जनरेट डिस्कशन सो माई टीचर्स यहाँ पे आपको बच्चों के साथ कोई एक शॉर्ट वीडियो जो है उनको फ्री टाइम में दिखाएं जिसमें स्ट्रेंजर्स से बात ना करना जो है और किस तरीके से वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं इस पर जो है एक शॉर्ट वीडियो दिखाएं और फिर जो है उस पर डिस्कशन करें सो माई डियर स्टूडेंट्स है यू कैन सी कि अगर आप किसी भी strangers, carrying it, so you can keep yourself unsafe. so my dear students, for evaluation, answer the following question. if a stranger person to talk, tries to talk to you, what will uh, you do? do not talk to uh, them and uh, instantly share it with your parents or teachers. if a stranger offers you something, what should uh, be your behavior? quickly refuse it. what have you learned from sarah and anam's story? that never take anything from strangers have uh, how can we save ourselves from strangers by not talking to them and if you feel unsafe discuss it with your parents and teachers so my dear students for practice you can uh, download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher write down your name and your roll number and then start working who is a stranger somebody you do not know if a stranger person meet you in park and talk to you and be your friend is it still a stranger or not Yes, that person is still a stranger because your parents do not know about that person. One day, if your parents be late to school to receive you and a nice look looking person offers you to come with him, your father or mother is late today, what will you do? Will you accept his or her offer? No, never accept that. If a stranger person comes to you and says that aapke parents, ko you do not know that person. आपने उसके साथ नहीं जाना ठीक है वेट फॉर योर पेरेंट्स डिस्कस एट विद योर टीचर इफ़ द स्ट्रेंजर्स ऑफर यू चॉकलेट वॉट विल यू डू इंडफॉर्म यूर पेरेंट्स और एक्सेप्ट हिज ऑफर आई विल इंस्टेंटली इन्फॉर्म माई पेरेंट्स एंड यू शुड डू द सेम एंड डू नॉट टेक एनी थिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स सो पॉजिव यू एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट आई होप एवरीबडी हैज़ डन इट सो फॉर होम वर्क यू विल डू होम एक्टिविटी नंबर थ्री गिवन ऑन पेज नंबर सेवेंटी एट एंड क्वेश्चन नंबर टू गिवन ऑन पेज नंबर एटी So, my dear students, what have you learned from this story? Write down in your own words. So, my dear students, Sarah or Anam ki story apne words, copy me note down. This is your homework. So, my dear students, the wrap up of the lesson is discuss everything with your parents and teachers and guardians and stay away from the strangers, never receive or take anything from them. So, my dear students, I hope you will um, act upon what we have discussed today and you will keep yourself and the people around you safe have a good day thank you so much and allah hafiz